Jai Gurudev and good morning everyone. The topic that I am going to explain you today is active and passive voice. Okay, before starting with the topic active and passive voice, ये voice क्या होता है? ये जो voice है, ये वो voice है, that is इसमें जो verb का use होता है उस पर ध्यान दिया जाता है, change of verb. ठीक है, तो ये जो voice है ये दो तरह के होते हैं, एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस. अब ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को समझने से पहले प्रीवियसली हमने सेंटेंस किया हुआ था, है ना. सेंटेंस में हमने पढ़ा था क्या क्या होता है. सेंटेंस होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है. बस इसी फॉर्मेट को हमें याद रखना है और यहाँ करना है. सो वॉइस टू टाइप्स के होते हैं. नंबर वन इज़ एक्टिव वॉइस एंड इज़ पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस में यही वाला फॉर्मेट यूज़ होता है, दैट इज़ सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ ये सब्जेक्ट है तो जो इम्पोर्टेंस है वो सब्जेक्ट को मिल रही है. पैसिव में ठीक अपोजिट हो जाता है, यहाँ ये सब्जेक्ट है और लेटर ऑब्जेक्ट है हमारा. ठीक, तो पैसिव में जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बन जाता है और जो एक्टिव का सब्जेक्ट है वो पैसिव में आके ऑब्जेक्ट बन जाता है. क्लियर. सेकंड थिंग, वर्ब का फॉर्म मैंने अभी बोला था, सो वर्ब का फॉर्म आल्सो चेंज होता है, दैट इज़ वर्ब इज़ यूज्ड इन इट्स पास्ट फॉर्म, द थर्ड फॉर्म. जैसे यहाँ राइट्स अ लेटर तो यहाँ हो गया रिटन. ठीक है. सेकेंड थिंग, यहाँ सिंगुलर प्लूरल वाली बात जो मैंने इज़ एम आर प्रीवियसली आई टॉट यू, यहाँ सिंगुलर है अ लेटर इसलिए इज़ एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है एंड एक नया वर्ड यूज़ हुआ है बाय. ठीक है. सो एक्टिव पैसिव में कैसे चेंज होता है, मोहन राइट्स अ लेटर तो क्या हो जाता है, अ लेटर. यहाँ जो ऑब्जेक्ट था यहाँ सब्जेक्ट बन गया, अ लेटर सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब इज़ आ गया, राइट यहाँ फर्स्ट फॉर्म वर्ब था तो यहाँ थर्ड फॉर्म रिटन हो गया, बाय एड हो गया और यहाँ जो सब्जेक्ट है मोहन वो यहाँ के ऑब्जेक्ट हो गया मोहन. क्लियर. ये कुछ रूल्स है, रूल्स ऑफ चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस. दैट इज, फर्स्ट रूल इज द सब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस इट चेंज टू ऑब्जेक्ट. दैट इज, जो सब्जेक्ट चेंजेस टू ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट चेंजेस टू सब्जेक्ट. नंबर वन. The second rule is use of by. We use a new word that is by. ठीक है, जो पहचान है passive की that is use of the word by. Number three, use of helping words. जैसे ऊपर example में is use हुआ है, so is, am, are is also used. Now there are certain things जो मैं आपको बता रही हूँ क्या कैसे change होगा. ये active है passive. एक्टिव जो है वो फर्स्ट फॉर्म में होता है और जो पैसिव है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में होता है.